सो हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है शहजाद फैमिली ब्लॉग में। सो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। अगर आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। सो चले गाइज, हमारी मॉर्निंग वगैरह सब हो चुकी है एंड अभी शाम के बज रहे हैं 7:15। सो जैसे कि आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखे रहोगे कि हमें आज जाना है शादी में, मेरी फ्रेंड की शादी में, एंड हमने जो गिफ्ट वगैरह भी लिए सो आप लोगों ने वो भी देखे रहोगे। तो बस अभी नाश्ता वगैरह करे, चाय पिए, बहुत ज़ोर से मेरे को तो भूख लगी थी क्योंकि मैंने दोपहर में ना आज बहुत सारा चावल रखा था। ऐसे ही नहीं कि बच जाता है, तो मम्मी ने फ्रिज में रखे थे तो मैंने दोपहर में वही चावल को मस्त अंडा वंडा डाल के फ्राई करी थी, तो हमने वही खाए थे। फिर अभी चाय वाई पी लिए, नाश्ता कर लिए, सो बस जा रहे थे अभी तैयार होने के लिए। 7:15 हो चुके, तैयार होते 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 घर से निकले तक 8:30 या तो 8:45 या 9 बजेगा ही। सो इसलिए मेरे लिए रेडी होना शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखो ये कैसे बैठा हुआ है, अम्मी भी यहाँ पे बैठे हैं। सो चले फटाफट से रेडी होते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। एंड मैं आज बना रही थी ट्रांजेक्शन वीडियो रील्स की, सो मुझे वो भी बनाना है। तो मैं बोली मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ और मुझे व्लॉग भी लेना रहता है, सो इस वजह से चले सबसे पहले तो मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइज, हम लोग रेडी हो चुके हैं एंड मैंने पहनी हुई ये मेरा पिंक वाला ड्रेस। सो मैं कैसी लग रही हूँ कॉमेंट में बताना। एंड मैंने ना बाल खुले रखी थी, मुझे बहुत गर्म हो रहा है, सो मैंने अभी लपड़ लगा ली, बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रहा है। और यहाँ पर मेरी अम्मी भी रेडी हो चुके हैं। अम्मी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? तो वेलकम हो गया सैयद फैमिली ब्लॉग में। चल गाइस, हम लोग तो तैयार हो गए हैं, बस अभी निकल ही रहे हैं। मेरे को हो गई है सर्दी, गला भी मेरा अचानक बैठ गया तो कैसे है मेरा ड्रेस आप लोग बताना। यस, तो चले फिर हम जा रहे हैं। माहिर हमारे साथ आ रहा है, माहिर तो वो भी रेडी हो चुका है एंड वो गया है सुहान, उसको लेके गया है नीचे। तो चलो निकलते, लेट हो गया। मैंने आप लोग को बोली थी ना गाइस, हम लोग को 8:30 या तो 8:45 हो गई, तो भी एग्जैक्टली 8:45 हो रहा है ना। तो चलो तो हाँ वही, चलो पहले देखते हैं अब कितना तो नजदीकी है ना अंधेरी से वर्सोवा। तो चले फटाफट से निकलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। थैली ले लो वरना थैली भूल जाएंगे। सो चले गाइस, निकलते हैं बाहर, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हम आ चुके हैं बाहर, यहाँ पे पकड़ रिक्शा। माई माई को देखा, एकदम स्मार्ट दिख रहा अम्मी रिक्शा पकड़ने की रहा है। हमें अभी तक का एक भी रिक्शा नहीं मिली है, यहाँ से रिक्शा मिलना मुश्किल है, अम्मी क्या करेंगे। बट यही वर्सोवा का ना सीधा रोड पड़ता है, देखते थोड़ा वेट करते हैं ना, मिल जाएगी। फाइनली हमें रिक्शा मिल चुकी है। एंड मैं वो वाले रोड पे भी चले गई थी रिक्शा के लिए, बट फाइनली मिल चुकी है, एक अंकल मिल गए। तो चलो चलते हैं। क्या हो रहा है, गर्म से टेंशन, गर्म से हालत ख़राब हुई है, बट मुझे एक्साइटमेंट भी बहुत है, मेरी फ्रेंड की शादी करके जाना है इस वजह से। माहिर मजा आ रही है? माहिर को ना मैंने वो लगाई, मस्करा लगाई थी हल्का सा ना, तो उसने पूरा फैला दिया है। ए माहिर दिखा तेरी आग, दिखा, उसने पूरा ना फैला दिया है। सो चले गाइस, चलते हैं, फिर आप लोगों से आगे मिलते हैं। होप कि हमें ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले, है ना अम्मी? ट्रैफिक, अरे यार ये बाल देखो कैसे उड़ गए। होप कि हमें लाइक ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले, बट लाइक सी देखते क्या होता है। बस गाइस, ऑलमोस्ट ऑन द वे है, हम पहुंचने ही वाले हैं। बाल की पूरी बात लग गई है, तो हवा से चलती है। अम्मी को बहुत ज़बरदस्त वाली खांसी सर्दी हो गई है ना। तो चलो हम पहुंच चुके हैं स्कूल में। बुशरा नाम है, हाँ ये रहा, यहाँ नाम लगा हुआ है बुशरा एंड इमरान। और यहाँ पे देखो ये रहा लगा हुआ है बुशरा एंड इमरान। चलो अंदर चलते हैं, अंदर है पूरा आगे। हाँ एक ये वाला है अपना, ये साइड है वो वाला आगे। माइल संभाल के, तो पैर पे मत मार मेरे। चलो चलते हैं गाइस, पहुंच चुके हैं हम लोग। एक ही है ना ये, शायद से खाने का एंड वहाँ पे स्टेज है। चलो देखते हैं अंदर, चलते पहुँच चुके हैं। एंड दिस इज़ अ हॉल माशाल्लाह, वहाँ पे बज रहा है गाना एंड अभी तक दुल्हन हमारी नहीं आई है। हम आ चुके हैं थोड़ा सा जल्दी, दुल्हन बस आती होगी रास्ते में। ये यस माइल, अच्छा है जूस, मैंने पाइप वाला जूस वाले ग्लास वाला। हमारी ब्राइड अभी तक आई नहीं है, बस वेट है, उसको आती होगी है ना, उसको देखने के लिए सब्र नहीं हो रहा मेरे से, कैसी दिख रही होगी वो। क्यों मस्ती कर रहे हैं, क्या हुआ, क्या हुआ अम्मी, इसको क्या हुआ है, देखो कैसा कर रहा है, मस्त महाराजा लुक की तरह। माशाल्लाह डिक
डेकोरेशन देख सकते हो, बहुत प्यारा लग रहा है। अभी वहाँ पे दुल्हन दुल्हा के बैठेंगे एंड वहाँ पे फोटो सेक्शन भी है, टुगेदर फॉर एवर लिखा हुआ है, मस्त है। एंड वो साइड पे पीछे खाने का है वो हिस्सा, यहाँ पे जेंट्स लोग है, ये हमारे साथ इधर बैठा हुआ ये है ना अम्मी, देखो उसको अच्छा है भाई अच्छा लग रहा है उसका मुँह, देखो कैसा कर रहा है। हमारी ब्राइड आ चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे स्माइल भी की देख के। अब ऊपर जाएगी तो हम मिलेंगे इसका, वहाँ पे हो रहा है फोटोशूट, बहुत प्यारी दिख रही गाइस माशाल्लाह, बहुत प्यारी दिख रही, अच्छी दिख रही ना अम्मी माशाल्लाह, मस्त है, बहुत प्यारी दिख रही। माई दुल्हन आ गई, देखो उधर है दुल्हन, देखा नहीं तूने, देख अभी बैठेगी दुल्हन ऊपर, वहाँ पे अब जा रही है दुल्हन, वहाँ पे अब ऊपर बैठेगी, बस अब दूल्हा बाकी है ना, देख रहे कैसे हाँ बोले दुल्हन की दे, दुल्हन नहीं दिख रही, दुल्हन आ गए, लिटरली बहुत प्यारी दिख रही है हमारी ब्राइड, मुझे तो एकदम ऐसा हो गया उसको देख के, बहुत अच्छी दिख रही है। एंड उसने, मैं यहीं बैठी हूँ तो उसकी एंट्री ये साइड से ही हुई ना, तो उसने मुझे देखी, मुझे लगा नहीं देखेगी बट उसने मुझे देखी, सब उसका थोड़ा फोटोशूट वगैरह होगा एंड यहाँ पे गाना भी बज रहा है ना, हाँ वहाँ पे उसका फोटोशूट हो रहा है ना इसलिए, तो अभी वो ऊपर बैठेगी फिर तब हम जाएंगे उससे मिलने, एंड यहाँ पर गाना बज रहा है ना तो इसलिए ज़्यादा व्लॉग लेने नहीं मिल रहा है वरना कॉपीराइट दे देगा। हमारे दूल्हे राजा भी आ चुके हैं, वो आगे इतने सारों के बीच में, देखो आगे 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 आगे, हाँ ये रहे इतने सारों के बीच में दिख नहीं रहे ना, अब जा रहे हैं वो अपनी दुल्हन के पास, दुल्हन खड़ी है वहाँ पर, सब जा रहे हैं दूल्हा उनके पास जा रहे हैं। ए देख इसको सड़े ले, बस सर्दी हो जाएगी, फोटो शूट गाइस जा रहे हैं, लोग स्टेज पे चढ़ रहे हैं। अम्मी अम्मी तो परेशान हो गए अपनी खांसी से, हालत उनकी एकदम पिघल गई है, ये चढ़े चढ़े चढ़े, अरे अरे फोन क्यों हिला रहा है तू, ये माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। कौन दुल्हन आ गई, दुल्हन नहीं पूछ रहा है वो, दुल्हन को पूछ रहा है बोले दुल्हन नहीं आई, यस माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे गाइस दोनों भी, फोटोशूट हो रहा है अभी, कैसे फोटोशूट करेंगे तब उन लोग को जाके बिठाएंगे तब, बहुत प्यारी दिख रही है। चुके हैं खाना खाने के लिए अम्मी, और वहाँ पे बैठा है माहिर खान के साथ, अम्मी हमारा खाना लग गया है तो बस जा रहे खाना खाने के लिए, माहिर देख मेरा पी तू, तेरा मुँह देख कितना खराब हो गया, पोछिए। सो हम लोगों ने खाना खा लिया, अब जा रहे हैं दुल्हन से मिलेंगे, दुल्हन को गिफ्ट दे देंगे फिर निकलेंगे ना, अम्मी लेट हो गया ना काफ़ी ज़्यादा, हमें लेट हो चुका है। अच्छा है माहिर, हमारी बिल्ली क्या कर रही थी अपने पैर के नीचे, हमारी टेबल के नीचे बिल्ली आ गई थी, क्या कर रही थी, बिल्ली को नींद आ रही थी, हाँ आइसक्रीम अच्छी थी, खाना अच्छा था ना माशाल्लाह, खाना बहुत टेस्टी था ना अम्मी, खाना अच्छा था माशाल्लाह, खाना वाना हो गया, चलो अब दुल्हन से मिलते हैं, गिफ्ट देते हैं, निकलते, बहुत लेट हो गया ना अपने को जाने का इस वजह से, चलो चलो मैरी ले लो, मैरी बोल रही हूँ, मुझे माहिर बोलना चाहिए तो मैरी का नाम आ गया, क्या ऊपर ऊपर ना ऊपर प्लेन जा रही है, चलो पकड़ लो ये ले लो, चलो सुहान गया हाथ धोने के लिए ना, चलो पियो तुम पियो, तुम पियो हाँ पूरा पी लो, हमने गिफ्ट दे चुके दुल्हन का है ना अम्मी, वहाँ पे हमने शूट नहीं की क्योंकि अलाउड नहीं था ना ऐसे, तो इस वजह से वहाँ पर सब हमने फोटोज भी लिए, अब बस यहाँ पर हम खींचेंगे हमारी फोटो, माई तेरा है देखिए उसको कितना तेरा, मेरा समझ में अम्मी यहाँ पे फोटो सेक्शन के फोटो लेते हैं फिर अपन निकलते हैं, बहुत प्यारा बना हुआ है टुगेदर फॉर एवर, अच्छी अच्छी फोटो लेते हैं दो तीन फिर निकलते हैं, एंड बहुत मज़ा आया हमें, देख सकते हो पूरी ख़राब हो गई है हमें, हालत एकदम ख़राब हो गई, पसीना पसीना हो गए हम लोग, दीदी हाँ दीदी का भाई बाहर रुक जाए ना, फोटो खींचेंगे फिर जाएंगे, हाँ मम्मी वेट कर रहे हैं वहाँ पे सुहान का, सुहान गया है माहिर को लेके वॉशरूम, सो उसका वेट कर रहे हैं हम लोग, तो अभी बस निकल रहे, फ़ोटोज़ भी खींच लिए बस अभी निकल रहे, बहुत हमें लेट हो चुका है गाइस, 11 कुछ बज के जा रहे मे भी, चलो फिर अम्मी आया क्या वो नहीं आया ना, चलो ले लो उसको फिर निकलते हैं, तो अपन उसको वहाँ ढूंढ रहे, तुम वहाँ खड़े, लोग यहाँ से आ रहे हैं, अरे बस क्या है कैसे चल रहा है वहाँ, अपन उसको उधर ढूंढ रहे, वो यहाँ पे, ए हाँ चल, अरे अरे कैसे कर रहा गोरिल्ला, हम लोग वहाँ ढूंढ रहे ना तुझे, अरे अरे पगला, चलो घर पे जाएंगे, चलो घर पे
चलो चलो बाहर चल, चल बाहर बाहर चल बाहर, चलो यहाँ से घूमो, लाओ हाथ दो, हाथ दे, चलो बाहर बाहर से अभी रिक्शा पकड़े, घर पे चलने का अभी। चलो मजा आई अम्मी, इंजॉय, अच्छा लगा ना, माशाल्लाह बहुत मजा आई। एंड मुझे तो उसको देख के ऐसे इतना इमोशनल हो रहा था ना, मुझे लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, बट मैं नहीं रोई क्योंकि सब फोटोशूट कर रहे थे ना उसके फैमिली वाले, इस वजह से। माहिर क्या कर, हाँ चल देती है ना उसमें बिटी, और एक है, चल है जेब में है, चल तू गोरी ले, परेशान कर दिया मुझे उसको देख के ना, लाइक बहुत इमोशनल हो रहा था मुझे, ऐसे मेरी फर्स्ट ऐसी कोई फ्रेंड है जिसकी मतलब शादी हुई है, सेकंड अब फिजा की हुई है ना अम्मी, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं पहली बार ऐसी कोई दोस्त की शादी में आई हूँ, मेरी ऐसी फ्रेंड है, सो मुझे बहुत इमोशनल हो रहा था, ऐसा आंसू आ रहे थे, बट मेरे बहुत कंट्रोल के उसको देख, एकदम खूबसूरत है, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन नहीं उसका चेहरा हम लोग दिखा नहीं सकते ना, यस इस वजह से हमने नहीं दिखाया। आराम से बैठो माहिर, उसको पकड़, स्टेशन की ले लो आप, स्टेशन से कौन सी जगह चले जाएगी ना, मालूम आपको, स्टेशन लेने दो ना, क्यों डरा, क्यों डर गया रे, अरे बाप रे डर भी लगता है देखो आप, नहीं अच्छा तो सो रहा था ऐसा, अभी नहीं ब्लॉग चालू मैंने नहीं बोल रहा, बट ऑफ कैमरा बहुत गड़बड़ कर रहा था, ऐसा सो रहा था ना तो धक्का लग गया तो जूस गिर गया, तो बोले मैं डर गया ना, भी नहीं एंड की थी, बस अभी सुबह में मैं बोली पहले व्लॉग एंड कर देती हूँ। सो आप लोग को आज का व्लॉग कैसा लगा, एंड हमारी ब्राइड को एक्चुअली हम दिखा नहीं सकते थे फेस उसका, सो इसलिए हमने नहीं लिया, अलाउ नहीं था उसके घर से, सो इसलिए हम लोगों ने नहीं लिए, बट माशाल्लाह बहुत हम लोगों ने इन्जॉय किए, मज़ा भी आए। एंड बुशरा से मेरी फ्रेंडशिप है ना बहुत सडनली हुई थी, ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी दोस्ती है या ऐसे कुछ, बहुत सडनली दोस्ती हुई थी, हम लोग YMC में ना साथ में क्लासेस जाते थे, जहाँ पे मैं पहले ब्यूटिशन करती थी एंड मेहंदी करती थी, तो जस्ट वहाँ पे ही मिले थे, और ऐसा था ना मुझे ऐसा लगा था वो थोड़ा ऐसे लाइक एटीट्यूड वाली गर्ल है, मुझे ऐसे बातचीत करती नहीं थी, जब मेरा न्यू एडमिशन, उसको टाइम हो गया था आके, मेरा लेट एडमिशन हुआ था, मैं लेट गई थी, सो मेरी अदर लड़कियों से फ्रेंडशिप हुई थी बट उससे नहीं हुई थी, और मैंने जो मेरे साथ में थे ना, मैंने पूछी थी कि ये लड़की बात क्यों नहीं करती है, तो मुझे सब लोगों ने बोले कि बोले नहीं वो अकेले अकेले रहती है, किसी से बात नहीं करती है, बट मेरी ना उससे जब धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुई, तो पूरे क्लास में मेरी उससे ही सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई, और उसकी मेरे से हो गई, मेरी उससे हो गई, और वो किसी से बात नहीं करती थी, अपना आती थी, अपना बैठती थी, अपना काम करती थी और जाती थी इस वजह से, सो फिर हमारी फ्रेंडशिप हुई, हम कांटेक्ट में आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी खासी दोस्ती हो गई, बोलते ना बहुत इत्तेफाक से हो गई थी, सो बट फाइनली आज उसकी भी शादी हो गई है, तो बस हमेशा वो खुश रहे, अल्लाह उसका नसीब आसान करे, बस अभी हमारे सेकंड फ्रेंड की देखो कब शादी होती है, मेरी जो फ्रेंड है फिजा उसका भी कुछ चल रहा है, वो जैसा भी रहेगा वो आप लोग को उसका भी व्लॉग मिलेगा, सो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे वापस एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय, लव यू ऑल।